फैसलो दल में जात पात नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा दल में जात पात नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे अम्बेडकर वाह जिंदाबाद 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 अम्बेडकर वाह जिंदाबाद 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 मनुवाद मुर्दाबाद 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 मनुवाद मुर्दाबाद 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 विक्रम तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं विक्रम तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज के हाई कोर्ट अम्बेडकर चौराहा पर। यहाँ पे लगातार जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरजन के समर्थन में लोग धरना कर रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और क्या कहते हैं, क्या कहेंगे सर धरने को लेकर? ये धरना नहीं था, ये एक सामूहिक उपवास था। विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव को देखते हुए यहाँ पे इस प्रकार नंबर दिया जाता है कि उस पर प्रोफेसर विक्रम ने जब आवाज़ उठाई तो इस आवाज़ को विश्वविद्यालय प्रशासन इसको दबाने की कोशिश कर रहा है और उनको नोटिस भेज रहा है कि आप इसको साक्ष्य दीजिए, जबकि वो खुद ही एक गुनाहगार है। जब गुनाहगार की बातें हम करते हैं तो SC कमीशन उनसे प्रश्न पूछ रहा है, वो बजाय प्रश्न देने के वो प्रोफेसर विक्रम साहब से खुद साक्ष्य मांग रहे हैं। ऐसे में वो एक उनका मानसिक प्रताड़न कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं और आज ये पहली बार ऐसे हुआ है कि सारे अधिवक्ता संघ, सारे छात्र संगठन, सारे सामाजिक संगठन, सारे कर्मचारी संगठन, रेलवे संगठन प्रोफेसर विक्रम के साथ में आया है। जिस तरह से 26 महीने बाद जो है साक्ष्य मांग रहे हैं, क्या उसी दौरान नहीं मांग सकते थे? ये बहुत बड़ा इनका खुलासा होने जा रहा है। हम उनका 10 साल का स्टेटमेंट, वो साक्षात्कार जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होती है उसका साक्षात्कार का हम 10 साल का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। आपका खुलासा हो जाएगा, इनकी हालत ख़राब हो गई है, अगर 2-4 दिन के अंदर इनको जवाब देना पड़ेगा कमीशन को। और ये प्रोफेसर विक्रम साहब से जो साक्ष्य मांग रहे हैं ये नोटिस वापस लेंगी और उनको सात सम्मान वहाँ पे, ये यहाँ तक मैं बता दूँ, मैं प्रोफेसर विक्रम साहब से मिलने गया था, 4-5 लोग बैठ के चाय पी रहे थे, जब हम प्रोफेसर विक्रम साहब पहुंचे तो लोग वहाँ से उठ गए चले गए। इनको एक इस प्रकार से मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, अवॉइड करते हैं इनके। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं, इनके डराने से अब न डर जाएंगे, इनके डराने से अब न हम डर जाएंगे, सारे जितने भी हद है उससे हम गुजर जाएंगे। मौत तो आनी है, आएगी एक दिन, जब आएगी तो मर जाएंगे। प्रोफेसर विक्रम साहब आज हम सब लोग साथ हैं। इनकी लड़ाई लड़ने के लिए आप कहां तक जाएंगे? इनकी लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय संविधान की जितना भी हमको साथ लेना पड़ेगा हम ले लेंगे, बिकॉज आई नो वेरी वेल अबाउट टू कॉन्स्टिट्यूशंस। संविधान क्या है हमको भले प्रकार से पता है, उसके साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत बड़े लड़ाई लड़ रहे हैं हम। विश्वविद्यालय की जो VC हैं, इनके पति आज न्यायपालिका में बैठे हुए हैं, ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, हमको लिंक एक दूसरे जुड़ा हुआ है। लेकिन जो लड़ाई लड़ पा रहे हैं इसका सारा सारा श्रेय जाता है संविधान को। हम संविधान के तहत लड़ाई लड़ेंगे और डरेंगे नहीं। क्या परिचय है सर? हमारा परिचय है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं और एक काडर चलाता हूं, लोगों को जगाने का काम करता हूं, ये अडम्बर अंधविश्वास से, और सम्यक बुद्ध विहार का मैं संस्थापक और अध्यक्ष हूं। कमलेश चौधरी मेरा नाम है। मैं मोहम्मद बशारत खान, CEO ग्रीन गोल्ड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। आज का ये सामूहिक उपवास अब ख़त्म होने जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन को हम लोगों ने 5 तारीख का समय दिया है, आज जो यहाँ फैसला हुआ है। अगर 5 तारीख तक वो नोटिस वापस नहीं ले लिया जाता तो 6 तारीख को हम लोग जो है पूरा छात्रों से, छात्रावासों से, डेलीगेसियों से, हर जगह से जो है बच्चों से पोस्ट कार्ड लिखवाएंगे और कम से कम हज़ारों पोस्ट कार्ड लिखवा के महामहिम राष्ट्रपति जी को और अनुसूचित जाति आयोग को हम लोग भेजेंगे और उसके बाद साथ ही हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। जितने भी चौराहे हैं और जितनी भी डेलीगेसियां हैं, जितने भी छात्रावास हैं, विश्वविद्यालय कैंपस है, हर जगह हम लोग जो है
एक क्रम से हम वहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और उसको भी हम महामहिम राष्ट्रपति को भेजेंगे। जिस तरह से कह रहे हैं कि छात्रों से भी लिखवाएंगे, क्या छात्र आपके समर्थन में हैं? छात्र पूरी तरह से हमारे समर्थन में हैं। कुछ सांप्रदायिक छात्र संगठनों को माइनस कर दीजिए तो बहुत अच्छा लगता है कि आयशा जैसी संगठन, NSY जैसी संगठन, ये सारे के सारे संगठन हमारे साथ हैं। अब महोदय आए हुए हैं क्या कहते हैं, जीवन बीमा LIC से, तो इस तरह से कर्मचारियों का संगठन और क्या कहते हैं सेंट्रल के कुछ संगठन जैसे रेलवे कर्मचारियों का संगठन, ये सारे संगठनों का हम लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। क्योंकि जात पात का जो भेदभाव है इससे हम पूरी तरह से पीड़ित हैं, पूरा देश पीड़ित है, इस पूरी तरह से समझा जा रहा है। इसलिए इस आंदोलन को बहुत व्यापक रूप हम लोग दे देंगे और इलाहाबाद से जो आवाज़ उठती है उसकी अपनी एक हैसियत और औकात होती है। तो अब इलाहाबाद से आवाज़ उठ चुकी है और प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरजन के साथ में जो है सैकड़ों सामाजिक संगठन छात्र जो है उनके समर्थन में लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे।